नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत स्वर्णकार कॉलोनी में रहने वाले कुरवाई विकास खंड किसनोदा निवासी जब्बार बागरी के पंचायत सचिव मुलायम सिंह गुर्जर की हत्या हो गई है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि सबके परीक्षण उपरांत प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। यह रात्रि के समय जब घर में अकेले थे उस दौरान किसी ने इनकी हत्या की। वहीं मृतक के बेटे के अनुसार जब वह सब लोग गांव के घर में थे तब पिता के साथ ये घटना हुई। सूचना के बाद वह विदिशा के घर पहुंचे, जहां पर घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम करके जांच करनी शुरू कर दी है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। सर, क्या मामला हुआ? ये थाना कोतवाली जिला विदिशा क्षेत्र में स्वर्णकार कॉलोनी में एक बिल्डिंग में किराए से मुलायम सिंह गुर्जर करके व्यक्ति रहते थे, तो आज मॉर्निंग में इनका मृत शरीर यहाँ मिला है और प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं उससे हत्या का केस प्रतीत हो रहा है। और उल्लेखनीय बात यह है कि किराए से यहाँ रह रहे थे, लेकिन हाल में इनके परिजन कुछ समय से बाहर थे, तो रात्रि के समय क्या गतिविधि हुई इसको देखना पड़ेगा। जो मृतक है वो पंचायत सचिव का काम भी करते थे और 45 उम्र के लगभग के थे। जो अभी तक साक्ष्य मिले हैं उस अनुसार हमें संदेह है कि कोई व्यक्ति जो उनसे मिलना आया हो उसका हाथ हो सकता है या कोई परिचित व्यक्ति का हाथ हो। जितना भी सर्चिंग की है पुलिस ने, कोई सामान ऐसा चोरी का नहीं मालूम पड़ रहा है, तो प्रथम दृष्टया कोई चोरी या नकबजनी करने का इरादा नहीं सामने आ रहा है। अभी प्रयास रहेंगे कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाए।